जिसकी जितनी जनसंख्या भारी है मिले उसको उतनी हिस्सेदारी, तो हिस्सेदारी की हम मांग करते हैं, बजट को स्वागत करते हैं, पर उसमें जो हमारा क्वांटम ऑफ रिजर्वेशन है उसको भी लागू करने का आदेश प्रधानमंत्री जी करें। बस यही हमारी मांग है कि अगर ये कर दें तो कहने का मतलब है कि सोने में सुहागा की बात हो जाएगी। ऐसा न होने से खब से कम सिलू पास और सिलू टाइप्स और ईवी पिछड़ा को तो बहुत गहरा आघात लगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज, मैं हूं आपके साथ शिवम। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आज पहला बजट पेश हुआ है। आपको बता दें कि वित्त मंत्री डॉक्टर सीतारमन ने आज संसद में यह बजट जो है वो पेश किया है। उसके बाद से लगातार जो बिहार की सियासत है वो तेज हो गई है, लगातार राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के द्वारा लगातार अपनी प्रतिक्रिया दी जा रही है। इसी क्रम में आपको बता दें कि हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने भी इस बजट को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने साफ तौर पर इस बजट को लेकर स्वागत भी किया है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने साफ तौर पर तंज भी कसा है। उनका क्या कुछ कहना है पहले आप वो सुने। उसका हम विरोध नहीं करते हैं, जिससे देश का भला हो, समाज का भला हो, वो काम होना चाहिए। लेकिन शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसी वगैरह के लिए जब कंस्टिट्यूशन का मेन थीम था कि जिसकी जितनी जनसंख्या भारी मिले उसको उतनी हिस्सेदारी, तो हिस्सेदारी की हम मांग करते हैं। अब अभी प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण नहीं है, तो इसका मतलब है कि लोग वही कहेंगे कि जो योग्य है वो प्राइवेट में जाएगा, तो प्राइवेट में जो रिजर्वेशन क्षेत्र के लोग हैं एको योग नहीं मिलेगा। आज देखा जाता है प्राय यही, इसीलिए हम इस बजट को स्वागत करते हैं। प्रगतिशील बजट है, देश का विकास होगा। आप ठीक है कहा, तो स्वास्थ्य क्षेत्रों में साहब 127% बढ़ोतरी हुई है, और उसके अलावा और बहुत सही हमें काम किया। किसानों की आमदनी दुगनी करने का टारगेट किया गया है, MSP बढ़ाने की बात की गई है, ये सारा स्वागत योग्य है, इससे देश बढ़ेगा। लेकिन जो आरक्षित वर्ग के खास करके शुरू कास्ट, शुरू टाइप वगैरह के लोग हैं, और बाबा अम्बेडकर ने कहने की बात की थी कि कॉमन स्कूलिंग सिस्टम कीजिए, और राष्ट्रपति का बेटा हो या भंगी का संतान हो, सबको शिक्षा एक समान हो, और जब तक एक समान नहीं हो तब सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टिकोण से आरक्षण व्यवस्था जारी रखिए। तो उस कंसेप्ट के आधार पर आज हम कह रहे हैं कि प्राइवेट हो, प्राइवेटेशन में जाए, सारा चीज प्राइवेट में कर दें। हम समझते हैं कि उससे अच्छा ही होगा, लेकिन उसमें जो हमारा क्वांटम ऑफ रिजर्वेशन है उसको भी लागू करने का आदेश प्रधानमंत्री जी करें, जिसके लिए हम उनसे बात भी करना चाहते हैं। और यही हमारी मांग है कि अगर ये कर दें तो कहने का मतलब है कि सोने में सुहागा की बात हो जाएगी, और मणिकांचन संजोग कहा जा सकता है। इसकी जितनी जनसंख्या भारी मिलेगी उसको उतनी हिस्सेदारी, तो हमारी जनसंख्या 70-75 से 80% तक है, उतनी भागीदारी तो मिल नहीं रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी जो भागीदारी हमारी मिल रही है उतना तो कम से कम निजी क्षेत्र में मिल जाए, यानी शेड्यूल कास्ट के लिए 16%, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 8%, अति पिछड़ा वर्ग सब के लिए 27%, ये तो कम से कम मिल जाना चाहिए, इतने पर हम लोग संतोष करेंगे। लेकिन निजी क्षेत्र में इसका कोई प्रोविजन नहीं है, और ऐसा न होने से खब से कम शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स और ईवी पिछड़ा को तो बहुत गहरा आघात लगे। ये बजट प्रगतिशील है, एकदम सही है। हाँ। सिर्फ और सिर्फ हम अपना पेट देख रहे हैं, हम अपना इंटरेस्ट देख रहे हैं, सिर्फ विकास, सिर्फ पैसा, जिसको की भागीदारी मिलनी चाहिए, और नहीं तो आज यही हो रहा है कि सुटेबल कैंडिडेट वाज नॉट अवेलेबल, इसलिए उसको डी रिजर्व कर दिया गया, ऐसा होता रहा है। और इसमें जब प्रोविजन नहीं रहेगा तो ये कोई लोग नहीं आएगा, एक आदमी नहीं आएगा, 1-8% कहीं आ जाए तो आ जाए, तो वो हम लोगों के लिए बहुत ख़राब दिन होगा। और हमको नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास है कि ये बातें उनके नॉलेज में जाएगी तो ज़रूर सुधार करेंगे। तो आप मांग करेंगे इसकी? हाँ, कि भाई इसमें आरक्षण दें, तभी हम समझते हैं कि समाज को भला होगा, उस समाज को जो आरक्षित कर। तो आपने सुना साफ तौर पे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जहाँ एक तरफ बजट का स्वागत कर रहे हैं, वहीं दूसरे तरफ तंज भी कस रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि जिस तरह से आज विपक्ष के नेताओं के द्वारा भी साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि जो बजट आज पेश किया गया है वो जनता के हित में नहीं है, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा कि जो बजट आज वित्त मंत्री ने पेश किया है तो ऐसे में जो आम जनता है उसको कितनी राहत मिलती है। तब तक के लिए आप बने रहें हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।